नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स, आपका अपना एकमात्र मान्यता प्राप्त न्यूज पोर्टल। रोहतक लोकसभा के चुनाव में मतदाता क्या सोच रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कौन से हैं वो मुद्दे जो आपसे सीधे जुड़े हैं, गरिमा टाइम्स में रोहतक की जनता से जानने की कोशिश की है। सीधे जुड़ते हैं रोहतक की जनता से और जानते हैं क्या है उनके मुद्दे। गवर्नमेंट के लिए जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि अभी मोदी को सिर्फ 5 साल ही मिले हैं। 5 साल में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, कम से कम उसे 5 साल का और टाइम मिलना चाहिए। मेरा नाम चिराग अरोड़ा है, मैं केवलगंज निवासी हूँ। मैं खुद मोदी समर्थक था, लेकिन अब के हालात को देखकर और मेरे केस को देखकर जो सांगी नर्सिंग होम पे कार्रवाई करेगा, मैं और मेरे जितने भी जानकार हैं, हमारे सारे वोट उन्हीं को, नहीं तो हम इस बार नोटा दबाकर किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे और सभी पार्टियों का विरोध करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सागर, मैं रोहतक निवासी, शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे कई सालों से भूपेंद्र हुड्डा का ही राज चलता आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा, जो रोहतक को देश एक विकसित देश बनाने में उनका सहयोग होना बहुत जरूरी है। और मेरे परिवार समेत और मेरे जितने वोट रहे हैं, मेरे सभी वोट भूपेंद्र हुड्डा को ही जाएंगे। अजय कटारिया, मेरा गाँव सिंहपुरा कला है और मेरा वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई हमारा जो है दमदार, शानदार, होनहार, और मेरा वोट असल में भाईचारे को है। ये जो तोड़ने वाले हैं, जाति पाति वाले हैं, इनको मैं वोट नहीं डालूंगा। विकास को वोट है, भाईचारे को वोट है, दीपेंद्र को वोट है। मैं राम कुमार सिंगल सांगी वाला, मेरा घर है अग्रसेन कॉलोनी, जनता कॉलोनी का निवासी हूँ मैं। और मैं दीपेंद्र को ही चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने विकास के इतने कार्य किए हैं रोहतक में, इतनी वो लाए IIM IIT लाए हैं, इसलिए मेरा वोट दीपेंद्र को ही जाएगा। और दीपेंद्र ने ही इस रोहतक का विकास किया है और करेगा विकास, रोहतक का दीपेंद्र ही करेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वरुण वत्स है, मैं झज्जर रोड निवासी, झज्जर रोड पर रहने वाला हूँ। मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। इसका कारण ये है कि जितना रोहतक में विकास कार्य हुआ है, पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरा देश इस बात से चर्चा करता है कि रोहतक में जितना विकास हुआ है कहीं नहीं हुआ। और कोई करप्शन नहीं, कोई भी किसी प्रकार का कोई आज तक इनके ऊपर आरोप नहीं लगा। 15 साल का सांसद, बीजेपी सरकार में रहते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सांसद का इनको अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं उस पर्सन को वोट दूंगी जो डेवलपमेंट करे, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करे, वुमेन सेफ्टी, और बेसिकली सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन इस टाइम पे, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, तो उसको री इंस्टॉल करने की बेसिकली ज़रूरत है। तो जो इन मुद्दों पर काम करे, मैं मेरा वोट उसको जाएगा। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी करेगा, अभी कर रहा है, और दिशा में आ रहे हैं वो भी अच्छा काम करेगा। नया चेयर है, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, उसे वोट देंगे, उस पर्सन को वोट देंगे जो डिजर्व करता है हमारा वोट, मतलब जो विकास करवाएगा, जो छोटे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, वही वोट डिजर्व करता है, उसे ही वोट देंगे। सेक्टर एक निवासी, मैं इस बार वोट बीजेपी सरकार को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई है उसमें बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है, और उनको 5 साल और मिलने चाहिए ताकि वो और अच्छा काम कर सके, इसलिए वोट मैं अपनी बीजेपी सरकार को ही देना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज के लिए नमस्कार, कल फिर शाम 5 बजे आपसे होगी मुलाकात। और हाँ, अगर आपने अब तक अपना वीडियो गरिमा टाइम्स को नहीं भेजा है तो अपना वीडियो बनाकर जरूर भेजें व्हाट्सएप नंबर पे गरिमा टाइम्स के। राम राम।